वन ने विनती करके कहा, हे मुनि मुनिराज, मेरा दोस्त तो कोई है ही नहीं था, फिर भी आप श्राप दिया, अब मेरे उद्धार का रास्ता बताओ, फिर मैं अर्यो कैसे हूँगा। तो साधु दयालु होते हैं, महात्मा कहते भाई, ऋषि कहते मैं श्राप तो दे ही दिया, पर चिंता मत करना, तुम भी अर्य हो जाएगा। जब मुनि वचन कहो तो इवारा सुने हो कानन वचन हमारा, अवनी भार बद भर पोरा, जात धान दुख दे करोरा। जब वो ब्रह्मा पास पुकारे, विष्णु कला अवतार पदारे। बोलो राम जी महाराज। दुष्ट लोग ज्यादा हो जाएगा और धर्मरी गिलानी करेगा, जब जब हो धर्म की हानि, बड़े असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे शरीरा, हरे संत सजन बहु पीरा। ई प्रतिमा ते घोर अन्याय हो जाए, घोर पाप छाए नहीं, भी समय आ प्रति एक गाय को रूप ले करके और ब्रह्मा जी के पास जाए, प्रार्थना करी तो मैं प्रार्थना रे कारण से भगवान स्वयं अट उतार लेवेला और इस जंगल में आवेला। अवध पूरी दशरथ सुत रामा, प्रगटे आप निरंजन रामा। अनुज ब्रात, अनुज कहवे छोटा ने, लक्ष्मण जी छोटा भाई सहित आवेला। अनुज ब्रात प्रगटे जा अहि पति, सीता शक्ति होई जा समर्ति। बोलो राम जी महाराज की। आई कहते हैं शेषनाग सर्प को, जब कलयुग आएगा, पाप छाएगा, तो पाप प्रति को भार उतारने वास्ते भगवान आई नाम सर्प शेषनाग उतार, लक्ष्मण जी सहित राम जी और सीता जी अट पधारेला। जन्म सोता जन्मे जग माता, वहां को परिणय श्री रघुनाथा, जनक जी री बेटी, वो राम के धर्म पत्नी बनेगा। मात वचन सु पिता बंदासी, जब तीनों बनवास सिदासी। के कीरा वचना के द्वारा बांधा जाएगा दशरथ, तीनों चरण आए या दर्शी, उतरे पाप पावन तोई करसी। बोलो राम जी महाराज की। राम और लक्ष्मण सीता जी आपरे वन में चरण पादुका धरी, विश्व में तू थारो पाप उतर जाए, तू हरि हो जाई। मुनि ने कहा कि असुरों के महापाप से प्रति जब ब्रह्मा जी से निवारण हेतु प्रार्थना करेगी, तब विष्णु भगवान अवतार लेकर प्रति पर आएंगे तथा जनक पुत्री सीता से विवाह करेंगे। सौतली माता केकी के दो वरदान के बंधन के कारण राम लक्ष्मण और सीता जब 14 वर्षों के वनवास हेतु जाएंगे, तब यह आने के बाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो भक्तुर भगवान की। दंडक बन पग धरे विशंबर, उतरे श्राप हरियो होई डंबर। तो एक समय राम और लक्ष्मण भरत, राम सीता जी सहित उठे पदार्थ हैं और जंगल में, तो जंगल फाचो हरियो भरियो हो जावे। जब वन को उपजो विश्वासा, हरियो कोण की बदी गई आशा। भगवान ऋषि का ऐसा वचन सुन करके और वन देवता को विश्वास हो गया और मैं ठा पड़ के मैं एक दिन हरियो जरूर हो जाऊंगा। प्रभु के चरण कमल पड़ने से सूखा दंडक वन हरा होने लगा और उसको आश लग गई। कन्या जन्म हीन कर लियो, शिवरी नाम ताश को दियो, रूप भैनक दसन कराला, मोटा आंचल अति विकराला। वांकु बेलन परणे कोई, मात पिता मन सासो होई, क्यों व्याव गुप्त प्रणाई, आगे कथा क्यों समझाई। बोलो राम जी महाराज की। तो महात्मा लोग कहते हैं शिवरी रो जन्म हुयो है, बेल जाति रे मैंने, शरीर बहुत विकृत है, कुरूप है,
गुरु प्रे कारणों बेल बिना कोई स्वीकार नहीं करे है, तो मैंने एक दिन छाने बनाई है और किरलार बनाई। शिवरी के धनी का नाम का ही है लोदियो भील, इनकी कथा इसमें अलग आती है। लोदियो भील बिल्कुल सीधो साधो और घोड़ो हो, तो यह कथा शायद काल क्यों ठीक रही। बोलो राम जी महाराज की, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय। तो शिवरी भाई जी कथा काल चालू थी, अपने गुरु में निष्ठा कितनी होनी चाहिए वो काल का प्रगण था कि शिवरी बारी कथा प्राचीन कथा है, आजकल की कोई नई कथा नहीं है। ये कथा पहला वाल्मीकि जी और शिव भगवान पार्वती को सुनाई, ये कथा आगे विस्तृत होती गई तो शिवरी जी की नई भाषा में, अपनी भाषा में लोक जुगो भाषा रे मैंने, प्राकृतिक भाषा रे मैंने दादू साहब की शिष्य थी गेना बाई, उसने ये रचना करी। तो शिवरी बाई री कथा चालू करते समय प्रथम अपने गेना बाई कह रहा कि मेरे तो दादू ही भगवान है, पहला मैं गुरुदेव को वंदना करता हूँ। तो सब बोलना परतम राम दादो गुरुदेवा, परतम राम दादो गुरुदेवा, करो प्रणाम चरण और सेवा, करो प्रणाम चरण परतम राम दादो गुरुदेवा, परतम राम गुरु सब संतन को शेष निवाऊं, सब संतन को शिवरी कथा जता मत गाऊं, शिवरी कथा जता मत परतम राम दादो गुरुदेवा, परतम राम दादो करो प्रणाम चरण और सेवा, करो प्रणाम चरण और परतम राम दादो गुरुदेवा, परतम राम दादो। बोलो दादू दयाल महाराज की, अनस दरियाव जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहेब की। बोलो राम। गुरु महाराज में इतनी निष्ठा होनी चाहिए। भाई जी रचना करते हैं लेकिन पहला अपने गुरु दादू भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रथम राम दादू गुरु देवा करूं प्रणाम चरणारी सेवा और हृदय ने किया करे, मैं हृदय में दादू साहब का मैं ध्यान करूंगा। और गुरु के बाद में संता की बारी आती है, क्यों संता रे में सदगुरु समझाते हैं। जीवन में कोई अच्छे सदगुरु मिलते हैं नहीं तभी संत महिमा समझ में आएगा। भगवान की महिमा सब लोग जानते हैं लेकिन संतानी महिमा हरेक नहीं जान सकता है। सोनी संता कनु स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने क्यों आप संतानी महिमा करो, स्वामी जी की ओर में भगवान की संतानी भगवान की महिमा मैं कर सकता हूं लेकिन संतानी महिमा करने में मैं असमर्थ हूं।
तो दादू जी महाराज की कृपा से, भाई जी कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से संता की महिमा समझ में आई और जीवन में प्रथम संतानी सत्संगी करनी चाहिए। संतानी सत्संग की कृपा से गुरुदेव महिमा समझ में आती है। प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, पहला भक्ति संतानी सेवा करना। शिवरी भाई ने पहला संतानी सेवा करी है, छाने छाने सेवा करी है और संतानी कृपा का फल है, संतानी कृपा का फल है गुरु महाराज की प्राप्ति। सुनो, और गुरु महाराज की प्राप्ति का फल, गुरु की सेवा का फल का ही है भगवान री प्राप्ति। शिवरी बनके मैंने गुरु की सेवा करते करते शरीर कमजोर हो गया है, वृद्ध हो गया है। एक समय गुरु महाराज ने कहे, महाराज मैं संता की सेवा का फल तो आपकी प्राप्ति हो गई, सदगुरु मिल गए, ले मैं आपरी सेवा करी हूँ, हे गुरुदेव आपरी सेवा का फल क्या है? तो मतंग ऋषि कहते हैं तुम गुरु की सेवा का फल है, साक्षात्कार राम लक्ष्मण तेरे आएगा, तेरी कुटिया में आएगा, तेरा फल फूल अरोंगेंगे, इसलिए ठीक है। मैं मतंग ऋषि कहते हैं मेरा शरीर का परालोक पूरा हो गया है और मैं जाता हूँ, तुम सेवा करते रहना स्थान की। गुरु का शरीर छोड़िया के बाद में शिष्य के लिए गुरु आश्रम ही गुरु का रूप होता है, समझ भाई। दरियाव जी महाराज धाम स्वधाम पधार गए अमरलोक में, तो राम स्नेह के लिए दरियाव जी अबे रहण ही दरियाव जी का रूप है। ऐसे ही है शिवरी, गुरुदेव कहते हैं मतंग ऋषि अब तेरे लिए तेरा आश्रम जो गुरु आश्रम है नहीं, वो गुरु का रूप होता है, सेवा करते रहना। गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु आश्रम की सेवा करते गई, तो एक दिन राम और लक्ष्मण भी आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहला संता की शरण और बाद में संता के उत्तर प्रश्न करना, और संतानी कृपा के कारण से गुरु की महिमा समझ में आती है, और गुरु और संतानी दोनों की कृपा में जड़ राम जी की महिमा समझ में आती है। एक दिन आ गए राम जी और शिवरी खूब बदावना करते हैं। राम घर आए शिवरी करते बदावना, खूब उछाव किया, फलफूल जो भी उनके कुटिया के कुटिया में प्राप्त वस्तु थी वो सब भगवान के आगे रख दिया। फिर शिवरी हाथ जोड़ करके रामचंद्र जी महाराज को कहता है कि हे भगवान मैं संतानी सेवा करी, उसका फल है गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव ने खूब सेवा करी और गुरुदेव ने पूछा कि आपकी सेवा का फल क्या है? राम जी तेरे घर आवेला, आज राम जी आप पधार गया, अब आप रे दर्शना का फल क्या है? तो राम जी कहता है मम दर्शन फल परम अनुपा, पावे जीव निज सेज स्वरूपा। मम दर्शन, मम मतलब भगवान राम जी के मेरा दर्शन, मम दर्शन फल परम अनुपा, पावे जीव निज सेज स्वरूपा, पावे ही जीव निज सेज स्वरूपा। सियाभर रामचंद्र भगवान जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मोई सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मोई सब जग जानी,
करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम बोलो राम जी महाराज की। तो भगवान रामचंद्र जी कहे हैं कि हे शिवरी मेरा दर्शन है परम अनूप, मैं कह ही नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम अति भक्त है, अति मेरी प्यारी भक्त है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावे निज शेष रूपा। ओ जीव है नी अब शिव जाई भगवान नो कदी अलग ही होने नहीं सके। जैसे बूंद है और वह बूंद अब समुद्र में समा गई है, विशाल रूप ले लिया है, तो अब शिवरी तू जीव नहीं रहेगी, तू तो अब शिव हो जाएगी। मैं हूँ वही तू है, बोलो राम जी महाराज की। अपने गुरु श्री दादू जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मैं परम पावन शिवरी की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। पहले शिवरी के पीछे पिछले जन्म की कथा लिख रहा हूँ, इनका रचिता है नहीं वो कह रहे हैं। तो शिवरी पहला जन्म में कौन थी, ब्राह्मण की बच्ची थी, और पहला ऐसी प्रथा थी कि बच्ची जब भी जवान होती है तो माता पिता कहता बेटी वर की प्राप्ति के लिए तपस्या करो। जैसे पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी, इतना तप किया ब्रह्मा और विष्णु इंद्र कई लोग सामने खड़े हो गए और सारा देवता कहते हैं कि शंकर भगवान तो ऐसे महाराज शमशानी है और तू मेरे को प्राप्त कर लो। वो कहते 100 वर्ष तक रगर हमारी, वर्ण तो शिम्बो नित रहे कुमारी, मने जरूरत नहीं किसी और की। 100 वर्ष और लाग जाए तपस्या में तो मैं तप के प्रताप से भगवान शंकर को एक दिन प्राप्त करूंगी, और भगवान नहीं मिलेगा तो मैं कुमारी रह जाऊंगा। बोलो राम जी महाराज की। तो शिवरी पहला जनवरी मैंने एक ऋषि पुत्री थी, पूर्व जन्म ऋषि पुत्री होई, बेटी बाप बजे हर दोई। पूर्व जन्म ऋषि पुत्री होई, बेटी बाप बजे हर दोई। बन मेरे वे राम गुण गावे, मतो आरोड़ कयो नहीं जावे। बन मेरे वे राम गुण गावे, मतो आरोड़ कयो नहीं जावे। बोलो राम जी महाराज। पहला जन्म रे मैंने ब्राह्मण की बच्ची थी, एक ऋषि की पुत्री थी, और तपस्या के लिए बाप बेटी जंगल में भजन कर रहा है। और बहुत बेराग त्याग अत भारी, आशा तृष्णा दूर निवारी। वन में तो महाराज बेरागीवान, बेराग के बिना कोई साधु जीवन नहीं होता है। हमारे रामानंद जी महाराज कहते परतम पकड़ो दृढ़ बेरागा, परतम पकड़ो दृढ़ बे, अर्गे विश्वास करो सब त्यागा, गह विश्वास करो सब त्यागा, परतम पकड़ो दृढ़ बेरागा, परतम पकड़ो। प्रथम सन्यासी घरवार छोड़ दिया उसको वैराग होना चाहिए, संसारों अनुराग नहीं होना चाहिए। हाँ इंद्री जी तो रे वो उदासा, इंद्री जी तो रे वो
अथवा घरे अथवा वनवासा अथवा घरे अथवा वनवासा परतम पकड़ो दृढ़ बेरागा परतम पकड़ो। बोलो राम जी महाराज की। ये वास्ते मैं थाने कहूँ, जवानी में हरिगुण गाय लो, बुढ़ापा में राम री जगह, राम री जगह राम आई। अब थानू गाई जगह ला रहे हगड़ा बुढ़ा बुढ़ी आओ ज्यादा कर। इन वास्ते जवानी के मैंने सत्संग करनी चाहिए, जवानी में भजन करना चाहिए। बढ़िया चीज भगवान को देना चाहिए तो बढ़िया चीज कहीं है, जवानी। जवानी भगवान को दे देना चाहिए। महात्मा की वाणी में लिखा है कि सेवा सबसे बड़ी संता की होती है, और संता के लिए आड़ गले तो राम भजन में गाड़िए, पर प्रीत पड़े तो संता सेती पालिए। तो महाराज बहुत वैरागी पुरुष कौन, शिवरी, शिवरी नहीं है उसका नाम, दूसरा था। बहुत वैराग त्याग अति भारी, त्याग इनके संकल्प ही नहीं करे कोई चीज का। बेरागी सो मन बेरागी, आशा तृष्णा सबको त्यागी। संसार में कोई तृष्णा नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई भोग बुद्धि नहीं है, कोई मान बड़ाई नहीं है, केवल बाप बेटी जंगल में भजन कर रहा है। आशा तृष्णा दूर निवारी। लेकिन एक बात है भाई, विधि का विधान होता है, और तीन प्रकार के जो कर्म होते हैं वे कर्म बाधा करता है, प्रारब्ध, क्रियामान और संचित कर्म होता है। तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म था उसका, वे कठोर कर्म था। बाप बेटी भजन करिया, देखो हम राम राम करेंगे, अच्छे संकल्प करेंगे तो विघ्न जरूर आवेला। राम कहेगा सोने बहेगा, और महात्मा के पकड़ रहेगा गाड़ा, धोखा धुम बहुत उठ सी है राम भजन के आडा। क्यों, जीवरा पाप करियोड़ा है, जीवरी क्या ताकत जो राम नाम लेवे, पाप देवे थापरी वो मोंडो फेर देवे। बोलो राम जी महाराज। कृष्णा पुनः पाचला सतगुरु मिलसी आए, बहुत जन्म का पाप मिल दे जन को अपिश डिगाय। श्री कृष्णदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, कृष्णदास जी ही दूसरे अब जन्म में बाप जी गुलाबदास जी महाराज बने थे। तो महात्मा कहते हैं भाई शिवरी, बाप बेटी दोनों भजन कर रहा है, परंतु भजन करते करते एक विघ्न आ गया है। वहाँ आबे बेगन पड़ो एक आए, वहाँ आबे बेगन पड़ो एक आए, विदिशियोग मिटियो नहीं जाई, विदिशियोग मिटियो नहीं, वहाँ अभिविघन पढ़ो एक आई, वहाँ अभिविघन पढ़ो। बोलो राम जी महाराज की। महात्मा कह रहे हैं शिवरी बाई पिछले जन्म में ऋषि पुत्री थी, अपने पिता के साथ अति समय वे त्याग से राम नाम का श्रवण करती थी। एक दिन ऐसा कियोग बस हो गया, और पुत्री हरि भक्ति में तलीन है, और पिताजी जंगल में फल फूल वास्ते पदार्थ है। कंद मोल को पिता सिदायो, जिन ही समय भोप के आयो, पुत्री सरोप अधिक सरोपा, वहाँ को देख डिग्यो हे भूपा। बोलो राम जी महाराज। पिताजी बेटी री व्यस्ता वास्ते भूख और प्यास बटाने के लिए फल फूल के लिए जाते जंगल में। पीछे एक कोई राजा आया है, काम अंधा नर कामणी संग जाई, जो बन गया ऐसे सराई। राजा में ऐसे भी मद होता, तन मद धन मद राज मद, पर थी लागे पाई, जमकी जाट बुरी है राजा, ऐसा मत उतर जाए।
तो महाराज अकेली दे करके उस कन्या का रूप को दे करके वो दूषित काम कर दिया। गयो विशुद्ध किहो वध कामा तेज हीन कन्या बेकामा। कंद मूल्य मुनिगर आया जब पुत्री को वचन सुनाया। बोलो राम जी महाराज की। जिस जगह दूषित काम होता नहीं वो जगह विरंगी हो जाती है। जिनके अपन हवामणी कौन लागे बा भुंडी लागे। राजा दूषित काम करके चला गया और ब्राह्मण देवता यार क्यों के बेटी आ तेरी कुटिया अपनी कुटिया रा जगह हनी मन बिरंगी लागे। ई जगह जरूर कोई काम गलत हो गया है। तो गयो विशुद्ध काम कंद मूल्य मुनिगर आया जब पुत्री को वचन सुनाया। एक दिन इसी कंद मूल्य ने गए उसी समय एक राजा आया जो पुत्री के स्वरूप पर मोहित होकर बुरा कर्म कर बैठा। पीछे जब ऋषि आए तो ऋषि ये कहते अपनी कुटिया बिरंगी लाग रही है बेटी बात क्या सच बोलो। हो सुता बरमत मन मोरा। हो बेटी बरमत मन मोरा। अनत अत 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 ही बयानक लागत ठोरा। पिताजी के वही जगह अच्छी नहीं लाग रही है। कोटी बिरंगी लगे ओदाशा। कोटी बिरंगी लगे ओदाशा। अरे का अपराध भयो तुम पासा। का अपराध भयो तो ही पासा। बोलो राम जी महाराज की। बेटी कहते कि पिताजी जो आप सोचते हो लगभग आपका अनुभव बिल्कुल सही है। और पुत्री का चेहरा देखते तो पुत्री तेज हीण है। तेज हीण दी से तो ही काया। कहाँ कुदरत मोई वेद बताया। बेटी बिरंगी कुटिया भी बिरंगी और तेरा चेहरा भी तेज हीण है। अब साची बात बता दे। साची बात के वो तुम मोसू। बोलो साची बात के वो तुम बिन बिन कर पोचत में तो सू। बिन बिन कर पोचत में साचे बात के वो तुम मोसो। साचे बात के वो तुम मोसो। पिताजी के बेटी गलती बोल से होते समझिया गलती न होई। जो गलती को स्वीकार करे तो गलत मानो मत को। गलती तो हो ही जाती है लेकिन भी गलती को छुपाने के लिए हम झूठ बोलेंगे। एक गलती को छिपाने के लिए झूठ बोलेंगे। 100 झूठ बोलेंगे 1000 झूठ बोलेंगे तो झूठ झूठ ही निवड़े जामे फेरन सार। आखिर में तेरे साथ बताना पड़ेगा तो ज़्यादा समय क्यों खराब करती है बोल दू। कोई बात नहीं गलती को स्वीकार कर ले नहीं तो उसको गलती नहीं मानी जाती है। पुत्री से बोले बेटी आज ऐसी क्या बात हो गई तुम्हारे चेहरे पर नूर गायब हो गया और कुटिया भयानक लग रही है और चारों तरफ उदास जैसा वातावरण हो रहा है क्या कारण है सच सच बता दो। पूछे पिता साच क्यों माई और मन में शंकन राको काई। पिताजी कहते बेटी बोल दे कोई बात नहीं। भावी जोग मिटे नहीं नाता सुख दुख होण हार के हाता। तो पुत्री आंख नीची करके और घबराई हुई कहते हैं कि पिताजी आपका अनुभव सच है। मैं परवश थी इसलिए एक राजा आया और वो मेरे साथ बुरा काम कर गए।
या दुष्ट आयो एक राजा, भया काम बस कियो अकाजा, गयो विशुद्ध कियो अति खुवारी, पर बस परवश पड़ी लगी नहीं कारी। पिताजी मेरे हाथ रही बात नहीं है। तो पिताजी को क्रोध आ गया, क्यों नहीं बेटी, तो तपसी है, अगर तू तेरा हर बिना गेलो कोई नहीं करिया करे, तेरा मन साथ में नहीं होता तो तू शराब दे सकती, उसको भस्म कर देती। बेटी बोली, पिताजी होने की बात अनहोनी नहीं होती, एक राजा यहाँ आया, उसने हमारे संग जबरदस्त किया, मैं अबला परवश पड़ी, उसका विरोध नहीं कर सकी, उसने मेरा सदुष्म सती तत्व नष्ट कर दिया। सुन पिता की ओ तरकारा, दृक दृक कन्या जन्म तुम्हारा। पिताजी कहते नहीं, तेरा भाग और तेरा मन साथ में है, हर बिना गांव कदे नहीं जावे, मन बिना विष के वो कुण चावे। मन में वे नहीं भाव के मन मरणो, जब वो जेर भी खाए ले, मन नहीं हुए तो ये वास्ते, जे तू बेग बसम कर देते, जे तू बेग बसम तो आघति तेरी परतन होती, तो आघत तेरी परतन होती, यूं के कोप दियो मुनि श्रापा, यूं के कोप दियो मुनि श्रापा, दृग पापणी कियो ते पापा, दृग पापणी कियो ते। अब तुम बेग बसम होई सामा, अब तुम बेग बसम रूप करो नीचे घर जामा, रूप करो नीचे घर। बोलो राम जी महाराज की। उसका नाम था श्यामा ब्राह्मणी का। अब तुम बेग हो बसम हो श्यामा, रूप करूप नीच कर जावा, मैं बसम देता हूँ न मैं शराब देता हूँ, तो बसम हो जा। जे तू बेग बसम कर देती थाकन ताकती, ये वास्ते तो महात्मा कहते हैं, मुनि ने क्रोध में आकर कहा, पापनी तुम अगर मन से ऐसा नहीं चाहती होती तो राजा तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तेरे में शक्ति थी, तू भस्म कर सकती थी, लेकिन तेरी भी सहमति थी, इसलिए तुझे श्राप देता हूँ, अगले जन्म में महाक्रूर बने और नीच घर में जन्म ले। जब कन्या बोली कर जोड़ी दियो श्राप, कौन गति मोरी। हे पिताजी, आप श्राप दे दिया, अब मेरी गति क्या होगी। के वो पिता अवचन सुन भाई, तेरी भक्ति मिथ्या नहीं जाय। बोलो राम जी महाराज। पिता है कि मेरा भाई, ऐसा जो कुक्रम मेरे सेन नहीं हुआ, मैं श्राप तो दे दिया, लेकिन मैं तेरे श्राप के साथ में एक आशीर्वाद भी दे दिया, दूसरा जन्म तो कुरूप होगी, लेकिन ये जो भक्ति का जो संस्कार है नहीं, वो तुम्हारे साथ में रहेगा और नीच ग्रह में तेरा जन्म होगा। तो संत लिखा भी ये, भगत बीच पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच ग्रह अवतरी पन रही, संत को संत। कन्या के बार बार प्रार्थना कर ऋषि बोले, तेरी भजन की कमाई बेकार नहीं जाएगी, इसके प्रभाव से उस जन्म में भी तुम्हारे को अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे संत मिलेंगे। ये श्राप दे दिया। मुनि एक मतंग ऋषि नामा, जाके हृदय बिराजे रामा, वे मुनि राम भक्त अधिकारी, और सकल जप तप आचारी। बोलो राम जी महाराज। मैं तने आशीर्वाद देऊं बेटी, और जिनकी तू टेल करेला, मुनि एक मतंग ऋषि होगा, 88,000 ऋषि होंगे उस वन में, तो 88,000
जो ऋषि होता है वो तो जप तप करने वाले होंगे, लेकिन तत्व दृष्टि ब्रह्म ज्ञानी एक ही होंगे, उसका नाम होगा मतंग ऋषि, वो तेरे को प्राप्त हो जाएगा। और वे मुनि राम भक्ति अधिकारी और सकल जप तप आचारी जिनकी टेल करो चितलाई टेल के सेवान है, मेरा आशीर्वाद के प्रताप से मतंग ऋषि की सेवा में ले ली और सेवा रे प्रताप से तन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रकटे भक्ति राम गुण गाई वे तो ही भाव भक्ति दे ज्ञाना, मैं श्रापी रो कर दे थारो कल्याण, मैं तो तन श्राप दी पर मतंग ऋषि तेरा कल्याण कर देगा। उनकी कृपा परम पद पावे, राम लक्ष्मण तेरे घर आवे। उनकी कृपा परम पद पावे, राम लक्ष्मण तेरे घर आवे। बोलो राम जी महाराज। पिता का महाराज हृदय में पुत्र के प्रति बड़ी सद्भावना है, वो भी जानते थे कि अवस्था का दोस्त था, उनके कारण से गलती हो गई, लेकिन पिता का जो हित है नहीं वो तो पिता का हृदय में छिपा रहता है। यूं सुनकर कन्या जल गई और विधि सियो इसविद भई, पिता श्राप दिया इसमें कन्या भस्म हो गई। मुनि ने कहा बेटी मैंने क्रोध बस श्राप दिया, लेकिन मतंग ऋषि तुझे अगले जन्म में मिलेंगे और परम ज्ञानी संत तुम्हारी भक्ति का मार्ग बताएंगे, तन मन से उनकी सेवा करना, उनकी कृपा से तेरी कुटिया में राम और लक्ष्मण पधारेंगे। पुत्री तो खत्म हो गई भस्म हो गई, फिर भी ऋषि रा जो क्रोध होने ऋषि रा क्रोध शांत नहीं हुआ, चारों ओर निवार करके देखा तो वहां तो केवल वन था जंगल था, तो उन वन को भी श्राप दे दिया कि इतना सुंदर तू हरिया हरिया है और वन भी क्योंकि चार खाणी आने तो वृक्ष भी एक इंसान है, और हे वन देवता अगर तू चाहता तो मेरी पुत्री की रक्षा कर सकता था, तो उनको भी श्राप दे दिया। दंडक वन को वचन सुनायो तो पर दुष्ट कर्म हो आयो, सूके बेग हरियो नहीं रेसी, किया कर्म तू फल लेसी। बोलो राम जी महाराज। ऋषि ने इतना क्रोध जोर का था और वन को भी श्राप दे दिया, जा तू सूख जाएगा हरियो नहीं रे वेला। शोको कानन वारण लायो, कानन वन को भी कहते हैं औध भाषा में, अपांग वन के वहां औध में के कानन। शोको कानन वारण लायो, कन्या जन्म ही ने घर पायो। वन तो हो गयो है और ऋषि पुत्री का जन्म कट हो जाए, छोटी जाति मुया है। बोलियो कानन सुनो गुरु साई, अर दियो श्राप दोष मोनाई। विषम के वे वन के देवता प्रकट हो ऋषि के वे, महाराज मेरा क्या दोष है, आप मने श्राप क्यों दियो। दंडक वन को मुनि ने शोक जाने